सामने नए वीडियो के साथ आया हूँ। आज मैं बनाने वाला हूँ अंडा कड़ी। अंडा कड़ी बनाने के लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं, 2 मीडियम साइज के प्याज, 2 मीडियम साइज के टमाटर, धनिया पत्ता, अदरक लहसुन और मिर्च को मैंने ओखली में कूट लिया है। आज हम कुछ नए स्टाइल से अंडा कड़ी बनाएंगे। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैंने सरसों को बॉइल लिया है और हम इसमें जीरा डालेंगे। दोस्तों मैंने तेल में जीरा और तेज पत्ता डाल दिया है, इसे हम कुछ देर के लिए फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट डालेंगे। दोस्तों मैंने इसमें अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाल दिया है, इसे हम कुछ देर तक फ्राई होने देंगे ताकि इसका टेस्ट अच्छे से तेल में घुल जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे और प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। मैंने तेल में प्याज को डाल दिया है, इसे हम कुछ देर तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फिर हम इसमें टमाटर डाल दिया। दोस्तों हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और इसे चलाएंगे अच्छे से और इसे कुछ देर तक हम ढककर पकाएंगे। दोस्तों मैंने टमाटर तेल में डाल दिया है, इसे अच्छे से पकाएंगे और 5 मिनट हम धीमी आंच पर इसे ढककर पकाएंगे। दोस्तों हमारे टमाटर अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। दोस्तों मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिया है, अब हम इसे थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे मसालों को। जब तक मसालों को फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें से तेल अलग ना हो जाए। दोस्तों मैंने पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे। 10 मिनट तक हम धीमी आंच पर इसे ढक कर पकाएंगे। तो दोस्तों मैंने इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, लाल मिर्च हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक होती है, इसलिए हम लाल मिर्च का उपयोग नहीं करेंगे। मैंने इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। दोस्तों ये देखिए हमारा ग्रेवी अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब हम इसको इसमें अंडे डालेंगे। अंडे को मैंने चॉप कर लिया है, इसे मैंने चाकू से अच्छे से काट लिया है बीच से। अब इसे अंडे को डालेंगे ग्रेवी में। मैंने अंडे को चाकू से अच्छे से काटे जिससे अंडे का सारे ग्रेवी अंडे के अंदर अच्छे से मिल जाए। मैंने अंडे को ग्रेवी में डाल दिया है, अब हम इसे थोड़ा चलाएंगे। अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो इसमें आप थोड़ी पानी डाल दें, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो ज़्यादा पानी डालें। मैं तो गाढ़ी ग्रेवी खाना पसंद करूँगा इसलिए मैं इसमें थोड़ी पानी डालूँगा। ये देखिए दोस्तों हमारे अंडे अच्छे से मसाले में मिल चुके हैं, अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने थोड़ा ग्रेवी में पानी डाल दिया है, अब हम इसे कुछ देर ढक कर तेज आंच पर पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों हमारा अंडा कड़ी बनकर रेडी हो गया है, अब हम इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने इसमें धनिया पत्ता डाल दिया है, तो कितना प्यारा कलर बन के आया है। आज से आप खाएं और खिलाएं और प्लीज़ जो मेरे इस वीडियो पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।